तो हम भी भोग में हाँ कृष्ण को तो भोग लगाएंगे, लेकिन जो भविष्य में श्री कृष्ण या तो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं हैं, उनको भी हम भोग स्वीकार कराएंगे। भाग्यशाली है जो दादी ने आप सबको इमज करके ही ये बनाया होगा, इसीलिए दादी की याद के साथ अपनी उन्नति को भी याद करके अपने भाग्य के लिए ताली बजा दीजिए। तो एक हॉल में रहती थी और उसमें पर्दे डाले हुए थे, उसमें एक खटिया पर वो रहती थी, सबको मिलती थी। बोलो ये कितनी महानता है जिस दादी ने सारे वर्ल्ड से पीस प्राइज लिया था, यूनो के द्वारा पीस प्राइज भी इनको मिला था। तो दादी इतनी महान थी और फिर भी इतनी नम्र थी, तो महानता के साथ नम्रता का जब स्मृति आती है तो दिल गदगद हो जाता है। वाह, मेरी दादी, मेरी दादी। दादी को हमने अनेक बार देखा है, अनेक प्रकार के प्यार भी पाया है। कई जगह पर हमें ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी में भी जब राय लेनी पड़ी तो दादी ने बहुत अच्छी ऐसी राय दी जिससे हमें पता चलता है कि दादी बुद्धिमानों की बुद्धिमान भी थी। इस प्रकार से वैसे देखा जाए तो बहुत सारे अनुभव हमने किया है। बचपन में जब हम छोटे थे और घर पे रहते थे तब भी हमने दादी को लेटर से जब डायरेक्शन ली तो तुरंत लेटर से ये करो ये नहीं करो ये डायरेक्शन मिल जाती थी। अनेकों को लेटर लिखते थे, उसमें हमको भी लिखते थे। तो इतनी विशालता थी दादी के पास, कितना सबका ध्यान रखती थी दादी। इस प्रकार से अनेक ऐसे अनुभव है जिससे पता पड़ता है कि वो हमारे दिल कर राज करती थी। आप सब भी उनकी
बातों को बाद में भी सुनना और दादी की महिमा को जानना। तो दादी हमेशा बाबा के साथ रहती थी, इसीलिए उनको भी याद करने से, उनको याद करना माना बाबा को याद करना, क्योंकि वो बाबा से जुड़ी हुई रहती थी सदा। इसीलिए भले हम कहते हैं बाबा को याद करो, लेकिन दादी को याद करना माना कंबाइंड रूप था दादी का। दादी हमेशा बाद में भी, लास्ट स्टेज में भी में है इसका हमें साक्षात्कार कराती थी। तो ऐसी प्यारी दादी हमारी, मीठी दादी, ऐसी लवली दादी, आप सबकी भी वो प्यारी दादी है। आप भी उनको दिल में बसा के अपने जीवन के सूक्ष्म और साकार रूप में प्रेरणा लेके अपने जीवन को ऊंची तट पर ले जाओ। यही आज के दिन की हमारी आप सबको स्मृति दिन की शुभेच्छा है, शुभेच्छा है। ओम शांति। ओम शांति। दादी के बारे में तो हमारे बड़े भाई जैन भाई ने तो बहुत कुछ बता दिया, लेकिन मेरा एक निजी अनुभव था कि मैं शायद 19 या 20 साल का होगा और पहली बार हम मधुबन गए थे और हमारे साथ रावल भाई, जिसने अफ्रीका खंड में बहुत सेवा की थी विदांती बहन के साथ, वो हमारे ग्रुप में थे सब, दमन दमन थी। तो पता नहीं मुझे, मैं तो जैनी घराने से ज्ञान में चल रहा हूँ, तो दादी ने तीन बार, जो दमयंती बहन है हमारी बड़ी बहन थी उस टाइम, टीचर थी, तो बोला वो जैन भाई कौन है आपके ग्रुप में, मुझे मिलना है। मैं तो सोच में पड़ गया, मैं तो बहुत छोटा 19-20 साल की आयु। दादी दो तीन बार बोला मुझे, फिर चलो मैं तो दादी बुला रही है तो हमारे दमयंती बहन के साथ मैं भी गया। फिर वो कनु भाई करके थे, वो भी बहुत पुराने हैं, वो भी हमारे साथ। तो दादी ने आधे घंटे तक बहुत सी बातें की, कैसे सेवा करने की, क्या करने की। तो मैं भी सोच में पड़ गया, मैं तो इतनी बड़ी दादी, इतने बाबा के अंग संग, और हमारे से क्या मतलब कि सेवा कराना चाहती है। मतलब उस टाइम छोटा सा, जैसे बोलता है ना, वृक्ष छोटा होता है, छोटा होता है पौधा, फिर बड़ा होता है। तो हम 1968 में ज्ञान में आए थे अक्टूबर में, तो उस टाइम बहुत छोटा परिवार था। तो अफ्रीका से कोई बहन आई थी, उसने भी पूछा भी आपका वो जैन भाई कहाँ है। तो मैं सोच में पड़ा, मतलब कि ये एक ऐसी, कई बार ऐसा होता है कि पूरे भारत में कोई जैन इतना आते नहीं थे। हाँ, तो दादी का वो प्रेम, वो चेहरा अभी भी याद आया है मुझे। ओम शांति। दादी जी से हम लोग पहली बार मिले थे चंपा बहन और डॉक्टर के साथ में उनके कमरे में। तब से ऐसे अनेक बार मिलने को हुआ। दादी जी का प्यार, दादी जी का स्वभाव इस तरह था जैसे सबको अपने गले में लगा ले ऐसा। मिलती थी तो सब हालचाल पूछती थी, कैसे हो, कुछ तकलीफ तो नहीं है। ऐसे अनेक बार हम तो जहाँ जहाँ भी मिले तो हमारे से ये चीज़ जो है पूछती रही। यानी हर व्यक्ति के ऊपर, क्लास में आप आए हो, रास्ते में कहीं तकलीफ तो नहीं हुई, ऐसे अनेक चीज़ें वो हर व्यक्ति को मतलब क्लास में पूछती थी कि रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई, भाड़ा है कि नहीं है। तो दादी जी जो है हर एक के ऊपर जो है उनका ध्यान रहता था। इस तरह से दादी जो है हम सब बच्चों को बड़े प्यार से पालना दिया। और यहाँ भी कितनी बार आई तो दादी से मिलने का होता था, तो दादी जी बहुत प्यार करती थी सभी बच्चों से। ओम शांति। ओम शांति।
वैसे तो सबके अंग संग दादी जी के बहुत अच्छे अनुभव रहे। शॉर्ट में कहेंगे तो 78 से लगा के दादी जी के अंग संग हम 20 साल मधुबन में रहे और यज्ञ की सेवाओं में दादी ने हमको बहुत आगे बढ़ाया। और दादी के अंदर और दीदी के अंदर हमें बाबा और मम्मा दोनों दिखते थे। ये बहुत अच्छा अनुभव होता था मुझे कि बाबा मम्मा को साकार में नहीं देखा है परंतु हमारी दादी दीदी यहाँ जो है सेम बाप दादा की तरह हमें पालना दे रही है, वही पालना आज दिन तक जीवन में हमें आगे बढ़ा रही है। ओम शांति। ओम शांति। आज सवेरे से ही बहुत सारी दादी के साथ की स्मृतियाँ जहन में आ रही थी। हारमोनी शब्द का मतलब दादी हार मान लेना ये सिखाती थी और ज्ञान सरोवर में जो हॉल है उसका नाम हारमोनी हॉल है, हारमोनी हॉल। तो कभी कोई झंझट पड़ती है, ये शिक्षा बड़ी दादी ने अच्छी सिखाई कि हारमोनी हार मान लो तो जीत जाओगे, संघर्ष से बच जाओगे। लेकिन कई बार ये शिक्षाएं भूलती है तो उसकी सजाएं भी मिलती। हर आत्मा का भाग्य अपना अपना, इस आत्मा का ये भाग्य रहा कि करीब 10 से 12 साल लगातार दादी के मुख से मुरली सुनने का मौका मिला। और भाइयों और बहनों, ये बताते हुए बहुत मुझे खुशी और गर्व होता है कि किसी भी धर्म पिता ने अपने कार्यकाल में उतना अपने धर्म का विस्तार नहीं किया है जितना दादी ने अपने जीवन काल में ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार किया है। किसी धर्म पिता ने ये नहीं किया। ऐसी महान बातें तो बहुत है लेकिन समय की हमेशा अपनी सीमा होती, तो ऐसी दादी को दिलो जान से सत्सत नमन, सत्सत नमन। ओम शांति। और हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम जब ज्ञान में आए तो बड़ौदा का सेंटर खुला था और दादी जी ने ही आकर के बड़ौदा का सेंटर खुला है। हाँ, के ग्राम देवी से आकर के। और हम सौभाग्यशाली हैं कि जैसे हम अभी कारेली बाग के हम टीचर निमित्त बने हैं, ऐसे दादी हमारी टीचर है। दादी ने ही हमको पालना दी। और जो हमने पाठशाला खोली थी सरभोण में, तो गुजरात में सेंटर नहीं थे, बड़ौदा में था, अहमदाबाद में, सूरत में भी नहीं था। तो दादी डायरेक्ट हमको लेटर लिखती थी और पालना हमारी करती थी। और हम तो मधुबन में एक एक दो दो महीने में दौड़ दौड़ के जाते थे, छोटे थे तो। मैं तो 19 साल की थी तो दादी हमको इतना प्यार करती थी। जैसे गुजराती में आपने कहिए ने कि कोक ने त्या सात खोटनो छोकरो आव्यो होय तो इन्हें केटलू प्यार करे, तो दादी ने हमको इतनी प्यार पालना से आगे बढ़ाते बढ़ाते। और दादी बड़ौदा में तो बहुत बार दादी के कदम पड़े हैं और इसीलिए बाबा ने भी मुरली में कहा था कि बड़ौदा बड़ा दाव लगाने वाला है। तो ये हमारी दादी की बहुत विशेषता रही। और मेरे भी मुझे भी बहुत हर्ष हो रहा है कि मैं दादी को खाना खिलाती थी। जब भी जाऊँ तो दादी के लिए कुछ बनाती थी और खिलाती थी। तो एक बार की बात मेरे को याद आ रही, तो मैं हमेशा दादी के लिए बना के फिर दादी को खिलाने जाती थी। तो दादी मेरे को गिट्टी खिलाते थे, वो गिट्टी शब्द सिंधी है, बच्चों को गिट्टी खिलाते हैं। और एक बार क्या, चन्ना रेड्डी आए अपना ज्ञान सरोवर बनाने, तो उस टाइम जनरल में मैंने बनाया था कुछ वस्तु। तो दादी जो को मिले, दादी बोले चंपा तुमने बनाया नहीं या इस बार कुछ? तो मैं बोला दादी वो चन्ना रेड्डी के टाइम ये वस्तु बनाई थी। तो दादी के उसमें तो पता नहीं पड़ा कि तुमने बनाई, बहुत सारी वैरायटी बनी थी। तो कहने का मतलब मैंने तो दादी को बहुत, हाँ, इधर बड़ौदा में आए वहाँ भी जाके, और हमारा जो गीता पाठशाला का उद्घाटन भी भले छोटा सा था फिर भी दादी ने ही उद्घाटन किया। और बाद में जब इसका नक्शा बना तो दादी को बताया तो दादी ने नक्शे में लिखवा दिया मोहिनी बेन से कि दादी को पसंद है। और डॉक्टर को 15 मिनट तक इतना प्यार दिया कि बात मत पूछो। तो ये हमारे दादी की अंग संग की तो बहुत बातें हैं, कभी कभी कहा करेंगे
एक बार यमुना माँ आवी तू, एक बार यमुना माँ आवी तू पूर, आवी तू पूर, एक बार यमुना माँ आवी तू पूर, आवी तू पूर, मथुरा थी एक बार माथे मुकीने कोई लाव्यू तू वासली ना चूर, एक बार यमुना मा आव्यू तू पूर, आव्यू तू पूर, पानी तो दस मस्ता वहता रहे ने गोकुल मा वहती थई वातो, पानी तो दस मस्ता वहता रहे ने गोकुल मा वहती थई वातो, आम कोई पूछे तो कही ना शकाय ने, आम कोई भव भवनो ना तो। निराकार परमपिता शिव परमात्मा की पहली रचना सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी डबल अहिंसक वासुदेव देवकी नंदन महाराज कुमार की जन्म जयंती पर आप सभी कृष्ण प्रेमी आत्माओं का अति हर्षो उल्लास से ब्रह्मा कुमारी कार्य विभाग की चैतन्य फुलवाड़ी में कृष्ण जन्मोत्सव एवं दादी प्रकाशमणि स्मृति दिवस पर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। फैल रही है इनके प्यार की खुशबू थोड़ी थोड़ी, कितनी प्यारी लग रही है सांवरे गोरी की यह जोड़ी, सांवरे गोरी की यह जोड़ी। राधा मुरली तान सुनावे छिने लियो मुरली काना से, काना मंद मंद मुस्कावे राधा ने धुन प्रेम की छेड़ी, कृष्ण को तान पे नाच नचावे। राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी, राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी, ये बंसी में मेरो प्राण बसत है, ये बंसी में मेरो प्राण बसत है, वो बंसी हो गई चोरी, राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी। राधा प्यारी दे डारो ना बंसी मोरी, राधा प्यारी ओ
काहे से गाऊं, काहे से बजाऊं, काहे से रोऊं, गैया घिरी काहे से गाऊं, काहे से बजाऊं, काहे से रोऊं, गैया घिरी राधा प्यारी दे डरो ना बंसी मोरी राधा प्यारी बहुत खूब बहुत खूब। कहना तेरी चाहत में रुसवा यूं सारे बाजार हो गए, हमने ही दिल खोया और हम ही गुनेगार हो गए, हम ही गुनेगार हो गए। कान्हा तेरी चाहत में रुसवा हम यूं सारे बाजार हो गए, हमने ही दिल खोया और हम ही गुनेगार हो गए, गुनेगार हो गए। मुरी बंसी बजैया कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मुहि मुहि ऐसे नहीं छेड़ा सावरे, सुन सुन मौसे नहीं खेलो दावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे कान्हा सो जा जरा, जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है।